Hello everyone, welcome to the engineers. Today I'm here to discuss about the latest updates in the GATE syllabus 2021 in aptitude section. As we know कि कल IIT Bombay ने अपना जो GATE brochure है वो release कर दिया है, और जैसे ही वो release हुआ तो काफ़ी बच्चों के phone आने लगे कि सर aptitude के अंदर में कुछ changes हुए हैं, aptitude में हमें topics दिए गए हैं, क्या चेंजेस हैं, क्या एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ गए हैं उसके अंदर में, क्या जो अब हार्ड टॉपिक्स आए हैं या फिर इजी टॉपिक्स हैं. तो बहुत सारे बच्चों के डाउट है, तो उसी को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर की पैटर्न की, तो ऐसा कुछ चेंजेस हुआ नहीं है. ठीक है, वही सेम 65 क्वेश्चंस होंगे आपके पास में, 3 आवर्स का टाइम होगा, 100 मार्क्स का होगा. सेम आपके पास में 65 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड के होंगे, 15 मार्क्स के होंगे जो, और 13 मार्क्स का जो आपका मैथ्स होगा. ओके, और 72 मार्क्स का जो आपका टेक्निकल सेक्शन होगा. तो टेक्निकल सेक्शन की जो वीडियो है वो आप देख चुके हैं इंजीनियर्स के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे दीपक सर ने आपको सब कुछ बता दिया है. अगर हम बात करें एप्टीट्यूड सेक्शन की, तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि कोई चेंज नहीं है सिलेबस के अंदर में, बिल्कुल वही सेम सिलेबस है अभी तक. जैसे कि अगर हम गेट 2020 की अगर हम बात करते हैं, तो जब IIT दिल्ली ने जो अपना सिलेबस दिया था तो सिर्फ क्या कर दिया था, टॉपिक्स बता दिया था, या जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बता दिए गए थे. बट अब IIT बॉम्बे ने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि ये टॉपिक आपसे यहाँ पूछे जाएंगे. ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, चलो हम देखते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर है, मैंने आपको दोनों सिलेबस दिखा रहा हूँ, गेट 2020 IIT दिल्ली ने जो पब्लिश किया था, एंड गेट 2021 IIT बॉम्बे ने जो पब्लिश किया. सबसे पहले गेट 2020 अगर हम देखें, तो अगर बात करते हैं वर्बल एबिलिटी की, तो क्या गिवन है, देखिए इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्बल एनालिसिस, वर्ड ग्रुप, इंस्ट्रक्शंस, देन उसके बाद में क्रिटिकल रीजनिंग, वर्बल डिडक्शन. नेक्स्ट अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं, तो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, न्यूमेरिकल एस्टिमेशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन. ये सिर्फ आपको टॉपिक गिवन्स थे. बट अब क्या किया IIT बॉम्बे ने, देखिए ध्यान से देखिए, पहले हम कंपेयर करते हैं वर्बल एबिलिटी को, क्या गिवन है, इंग्लिश ग्रामर, और यहाँ पे वर्बल एबिलिटी में क्या गिवन है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर. बट बेसिक इंग्लिश ग्रामर के आगे देखिए क्या लिख दिया है, टेंस, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, नाउन एग्रीमेंट एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड बेसिक वोकैबुलरी, वर्ड, idiom, phrases, एंड context रीडिंग एंड comprehensive narrative sequencing. क्या किया, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स के नाम लिखते हैं. आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर में आपको पढ़ना क्या है, यही तो सारी चीज़ें पढ़नी है कि टेंस, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, नाउन एग्रीमेंट, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड बेसिक वोकैबुलरी. अगर वोकैबुलरी की बात करें, तो इससे पहले भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपसे वहाँ पूछे जाते थे, अब भी सेम चीज़ है, बेसिक वोकैबुलरी यहाँ से पूछे जाएगी, वर्ड्स पूछे जाएंगे, idiom phrases भी पहले पूछे जाते थे, वो भी सेम चीज़ यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा. फिर अगर context reading एंड comprehension की बात करें, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप लास्ट 5 ईयर के पेपर देखते हैं, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, जल्दी आपको वो वीडियो मिलेगी. मैंने लास्ट 5 पेपर के कुछ ब्रांचेस के पेपर जो है वो एनालाइज़ किए हैं एप्टीट्यूड के, और आपको वहाँ पे एक एक चीज़ बताई है कि किस टॉपिक से किस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो देखिए कंप्रीहेंसिव नैरेटिव सिक्वेंसेज, एक पैसेज आपको मिलता ही मिलता है, उसके बेस आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 2020 में जो आपसे पूछा गया था वो था न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, न्यूमेरिकल एस्टिमेशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन. ये सिर्फ आपको ये दे दिया गया कि इन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट आपको टॉपिक्स नहीं गिवन थे. बट अब देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 2020 में डाटा इंटरप्रिटेशन था, सेम यहाँ पे है DI, बट यहाँ बोल दिया गया, देखो DI के अंदर में क्या होता है, कुछ डाटा आपको गिवन होता है, किस फॉर्म में होता है, बार ग्राफ में होगा, पाई चार्ट में होगा, या कोई और अदर ग्राफ होगा, या टेबलर फॉर्म होगा, तो ऐसे आपको कुछ डाटा गिवन होता है, वहाँ उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है. हर ब्रांच में एक क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर से ऑलमोस्ट पूछा ही जा रहा है DI से, एक क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलता ही मिलता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं बार ग्राफ से, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, पाई चार्ट से क्वेश्चन आ रहा है, और आपका टेबलर फॉर्म से आ रहा है. ठीक है, देन उसके बाद में अगर हम बात करें 2 and 3 dimensional प्लॉट्स, मैप्स एंड टेबल्स, इस पर भी एक आधा क्वेश्चन देखा गया है. देन उसके बाद अगर हम बात करें न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में क्या होता है, आपके पास में स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, देन SI CI, ये सारे टॉपिक्स यहाँ आते हैं. देन उसके बाद में कंप्यूटेशन एस्टिमेशन में सारे टॉपिक यही पूछे जाएंगे. देन रेशियो,
परसेंटेज, यहाँ तक आपका न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन होगा। देन पावर एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स, इन पे भी कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा ही गया। अगर उसके बाद अगर हम बात करें परमोटेशन एंड कम्बिनेशन, ठीक है, परमोटेशन कम्बिनेशन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसके बाद में सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, अब लास्ट कुछ ईयर्स में देखा गया है कि मेंसुरेशन से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, मेंसुरेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देन उसके बाद में एलिमेंट्री स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, मीन मॉड मीडियन वाले क्वेश्चन आपसे एक दो बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कि एक भी नया टॉपिक हो, सारे वही टॉपिक हैं जो हम लास्ट ईयर में पढ़ते आए हैं, जहाँ लास्ट में हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट एनालिटिक एप्टीट्यूड, बस नाम दे दिया गया है अलग से, बाकी कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखिए, लॉजिक डिडक्शन एंड इंडक्शन, लॉजिक डिडक्शन के अंदर में क्या होता है, आपके पास में कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं और उनके बेस पे आपको कंक्लूजन्स बताने होते हैं। ये चीज़ें आप पहले भी करते आए हो, पहले भी आपने एग्जाम में इन क्वेश्चंस को देखा है। इंडक्शंस की अगर हम बात करें, लॉजिक इंडक्शंस की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे क्या होगा, लॉजिक इंडक्शंस के अंदर में आपको कुछ डाटा होगा, कुछ इमेज होगा, ऐसी कुछ फॉर्मेशन दी होगी, उसके बेस पे आपको प्रिडिक्शन करने होते हैं, ठीक है, उसके बेस पे आपको प्रिडिक्शन करने होते हैं। तो ये है आपके पास में इंडक्शन। अब बात करते हैं एनालॉजी की। देखो एनालॉजी पे मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ कि आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन, अगर हम इंग्लिश एनालॉजी की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे गिवन है वर्बल एनालॉजी, तो उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, तो वर्बल एनालॉजी के अंदर में आपको एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछा गया था गेट 2020 में। क्या था, कवर, अनकवर, एसोसिएट एंड उसके बाद था ब्लैंक, और आपको चार ऑप्शंस गिवन थे। आंसर क्या था, डिसएसोसिएट। तो यहाँ क्या होगा कि आपको जैसे कि कवर, अनकवर एंड उसके बाद में आपको गिवन है एसोसिएट एंड यहाँ ब्लैंक गिवन होगा और चार ऑप्शंस गिवन होंगे। यहाँ क्या करना होता है एनालॉजी में, जो लॉजिक इन दो वर्ड्स के बीच में होगा वही लॉजिक यहाँ होना चाहिए। कवर और अनकवर का क्या है, यहाँ पे एंटीनम्स हैं, तो आपको देखना होगा एसोसिएट का एंटीनम्स क्या होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यही करना है, यहाँ आंसर हो जाएगा डिसएसोसिएट। यही सेम काम कहाँ होता है, आपके पास में रीजनिंग में भी होता है। तो यहाँ पे जो आपको गिवन है लॉजिक डिडक्शन इंडक्शन एंड एनालॉजी अब यहाँ पे कैसे पूछेगा वो आपसे, तो यहाँ आपको यहाँ वर्ड्स गिवन थे इंग्लिश में, यहाँ आपको नंबर्स गिवन होंगे। नंबर्स कैसे गिवन होंगे, मान लेते हैं कि जैसे 4 गिवन है एंड 8 गिवन है, ठीक है, ये नंबर आपको गिवन है। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको गिवन है 9, तो इसके बाद में यहां ब्लैंक गिवन है और उसके बाद आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। तो देखो क्या होगा इसके अंदर में रिलेशन, कि हम बोलते हैं कि ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या है आपके पास में 2 का क्यूब है, ठीक है, एक पावर बढ़ गई है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये 3 का स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा आपके पास में 3 का क्यूब हो जाएगा। तो ये आपके पास में एनालॉजी होती है, इनके बीच में क्या होता है आपके पास में रिलेशन होता है। हाँ, हो सकता है कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, मान लो यहाँ पे क्या होता आपके पास में 18 होता ऑप्शन में और 27 जो यहाँ का आंसर आना था वो अगर ऑप्शन में होता ही नहीं, तो फिर ये लॉजिक नहीं लगता। फिर क्या लॉजिक लगता, लॉजिक क्या लगता, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ से क्या हो जाएगी, फिर 2 से मल्टीप्लाई आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ऑप्शंस आपको हमेशा मिले, ठीक है, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट अगर टॉपिक्स की अगर हम बात करें उसके बाद में क्या है आपके पास में, न्यूमेरिकल रिलेशन एंड रीजनिंग, ये बिल्कुल ईजी है, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। और उसके बाद में एक जो नया वर्ड आया है इस बार, जिसको मैक्सिमम बच्चे देख के डर रहे हैं कि सर ये क्या चीज़ है, स्पेशल एप्टीट्यूड, ठीक है, स्पेशल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इससे पहले भी पूछे गए हैं, मैकेनिकल 2016 में पूछा गया था और आई थिंक एक क्वेश्चन अभी लास्ट या उससे लास्ट ईयर में भी एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था, अभी मुझे ब्रांच याद नहीं है कौन सी ब्रांच में था। होगा क्या, देखो स्पेशल एप्टीट्यूड एक्चुअली होता क्या, सबसे पहले ये देखिए, एग्जामिनर वांट्स टू नो योर कैपेसिटी अबाउट 3D डायग्राम्स, कि आप 3D डायग्राम्स को कितना जल्दी आप समझ सकते हो, कितना जल्दी उनके बारे में आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसके बारे में आपसे ये पूछना जाता है स्पेशल एप्टीट्यूड में। अब होगा क्या यहाँ पे, स्पेशल एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें, तो स्पेशल एप्टीट्यूड में आपसे कुछ डायग्राम्स आपको गिवन होंगे, ठीक है, उन डायग्राम्स के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि कुछ टॉपिक्स गिवन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, अभी इसका एक क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा जो इन्होंने सैम्पल पेपर में भी डाला है और आई थिंक ये किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया भी है आपके। उसके बाद में स्केलिंग, मिररिंग
एंड असेंबलिंग, देन उसके बाद में ग्रुपिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग। हाँ, ये जो टॉपिक्स हैं जैसे स्केलिंग हो गया, मिररिंग हो गया, देन असेंबलिंग हो गया, ग्रुपिंग हो गया एंड पेपर फोल्डिंग, कटिंग, ये पेपर में कभी पूछे नहीं गए गेट में। ये हो सकता है कि आपको नए टॉपिक लगे, बट ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है। इन क्वेश्चंस को करते हुए बहुत मजे आएंगे। मतलब आप पूरा दिन टेक्निकल पढ़ रहे हो और शाम को इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कि कुछ आप अलग कर रहे हो, ठीक है। और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आराम से आप इनको जस्ट, आप इनको बस क्या करना है, इनको ऑब्जर्व करना है। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, एक दो ट्रिक्स हैं, बस वही देखनी है और आपको टिक कर देना है वहीं से। बस ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है उन ट्रिक्स की आपको, और कुछ नहीं। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, अलग है। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पे है सैम्पल पेपर जो गेट 2021 के लिए IIT बॉम्बे ने पब्लिश किया है। अगर हम बात करें फर्स्ट 4 क्वेश्चन की, इंग्लिश ग्रामर पे बेस्ड है। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, जो क्या है, DI पे बेस्ड है, डाटा इंटरप्रिटेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बार ग्राफ गिवन है, दो पाई चार्ट गिवन है, जिसपे एक क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद में एक अलजेब्रा क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास में प्रमोटेशन कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से है। देन उसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ज्योमेट्री पे और मेंसुरेशन पे। नेक्स्ट उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको एक पैराग्राफ गिवन है, उसके नीचे दो स्टेटमेंट्स गिवन है, जिसमें जो आएगा एनालिटिकल एप्टीट्यूड के अंदर में। जैसे मैंने आपको बताया था कि एनालिटिकल डिडक्शन में क्या होता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, आपको बताना है कि वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनका कंक्लूजन आपको बताना होता है। तो यहाँ आपको इस पे पैराग्राफ को पढ़ना है, उन स्टेटमेंट्स के बारे में आपको कंक्लूजन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही है, ठीक है, बताना है कि लॉजिकली फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको एक स्टेटमेंट गिवन है। उसके बाद में एक स्पेशल एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन गिवन है। देखिए क्या है, रेक्टेंगुलर सीट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 4 सेंटीमीटर कॉइल टू फॉर्म एन ओपन सिलेंडर, ओपन सिलेंडर बनाया गया सच दैट द बेड साइट मीट्स, जो बेड साइट्स हैं उनको मीट करके। द सेम सीट कैन आल्सो बी कॉइल टू फॉर्म ए सिलेंडर से क्यू, एक और सिलेंडर बनाया गया सेम सीट को फोल्ड करने के बाद में, एंड दैट लेंथ साइड मीट, इस बार कौन सी साइड्स मिल रही हैं, लेंथ साइड्स मिल रही हैं, तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपको बताना है कि इन चार स्टेटमेंट्स के अंदर में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वही चीज़ चेक कर रहा है कि आप कितने ईजिली 3D डायमेंशन जो है, 3D आपके डायग्राम्स हैं, उनको आप कितने जल्दी अंडरस्टैंड करते हो, कितने जल्दी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आपकी वहाँ से ये चीज़ें होंगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12, मिरर वाला क्वेश्चन पूछा है कि मिरर इमेज क्या होगी इस क्वेश्चन की। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आप देखते ही टिक कर दोगे, मैं ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है, बस क्या कर दिया गया, IIT बॉम्बे ने क्या किया कि अपने जो टॉपिक्स हैं एप्टीट्यूड के, उनको स्पेसिफाई कर दिया है कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, दैट्स इट। और ऐसा नहीं कि पहले भी नहीं था, बस पहले ये इतना दे रखा था कि पढ़ना पड़ता था, सारे यही टॉपिक्स हम पहले भी पढ़ते थे और अभी भी हमें यही टॉपिक्स पढ़ने हैं। ओके, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। बिल्कुल सेम वही सिलेबस है, सेम वही पढ़ना है, सेम वही पैटर्न है। जो चेंज हुआ था वो आपको जो कल वीडियो आई थी दीपक सर की, उसमें सारी चीज़ें बता भी दी गई हैं ऑलरेडी, और आज मैंने आपको एप्टीट्यूड में बता दिया है, तो घबराने की नीड नहीं है। ओके, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नोटिफिकेशन मिल चुका है, एग्ज़ाम डेट्स आपको पता चल गई हैं, तो आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।